Hello, my dear friends. I hope you are fine. I hope you are getting all the chapter topics. So, बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2. ओके, और इसमें है बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट में डिवाइड्स दे रखे हैं और ये आपको सॉल्व करने हैं, राइट? तो कैसे सॉल्व करने हैं, हालांकि आपको आते होंगे, है ना, ज़्यादा टफ नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. ओके, सो बच्चों देखो, ये है आपका असाइनमेंट नंबर 19. ओके, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्व दिस. तो आई हैव नोटिस दिस क्वेश्चन हेयर टू एक्सप्लेन यू. तो बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को करना है देखो आप. तो जो डिवाइड जो होता है, जब हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, जैसे 225 डिवाइड बाई 15, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं इसका मतलब ही नहीं समझ पाते, किसका किस में डिवाइड देना है, उल्टा सीधा कर देते हैं. तो आपको ये समझना होगा ऐसे करके, और जो हमारे जो आगे नंबर दे रखा है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. तो फर्स्ट वाला जो है वो हम यहाँ रखते हैं, समझे? और जो बाद वाला है उसको हम यहाँ रखते हैं, समझे? तो ये आपको इस तरह से रख के फिर सॉल्व करना है. अब 15 का डिवाइड 22 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, भाई 2 में तो जाएगा नहीं, 2 लिया तो 22 हो गया. अब 22 में देंगे तो 15 टू जा 2 बार लेने पे तो ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए 1 बार लेंगे, माइनस कर दो. कितना बचा? 2 में से 5 नहीं जा रहा, कैरी ले लिया 2 पैसे, 12 हो गया. 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ कैरी चली गई थी इस पैसे, तो ये 1 रह गया था. अब 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 आ जाएगा. अब ये 7, अब 15 का डिवाइड 7 में तो जाएगा नहीं, तो 5 को उतारना पड़ेगा, 5 उतार लिया. अब 15 का डिवाइड 75 में दो, कितनी बार जाएगा? 15 5 जा 75, पूरा पूरा चला गया, क्रॉस लगा तो 15 हमारा आंसर आ गया. ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपसे, लेकिन एक और जो आपको दिक्कत आ सकती है वो ये है, जैसे 15 की टेबल चलो आपको आती है, 12 की भी आती है, 16 की भी आती होगी, 13 की भी आती है, 21. अब यहाँ देखो आप, 21, 28, 34, 18, 23, 35, ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं इनकी आपको टेबल तो आती नहीं है, तो इनका डिवाइड आप कैसे करोगे? तो आपको ये देखना है कि इनकी टेबल कैसे लिखनी है, राइट? तो स्टूडेंट्स देखो, आपको जैसे मैं 34 बार, ये है ये वाला क्वेश्चन, इसमें 34 से आपको डिवाइड करना है, तो आपको 34 की टेबल की ज़रूरत पड़ेगी. तो आपको रफ में, इन रफ नोटबुक आपको करना है इस तरह से, और आपको इसको मल्टीप्लाई करके टेबल लिख लेनी है. ओके, तो 1 की टेबल 4 बार लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से मैं लिखना चालू करता हूँ तो 4, तो ये तो सीधा सीधा आ जाएगा भाई, 1 बार लेते हैं तो टेबल. 2 बार लेंगे तो देखो, 2 टेबल 4 बार ले, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, अब 3 4 जा 12, कैरी लग गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10. ओके, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, ऐसे करके 5 4 जा 20, कैरी लग गया 2, 5 3 जा 15 और 2 17, 6 4 जा 24, कैरी लग गया 2, 6 3 जा 18 और 2 20. तो बच्चों इस तरह से आप जो है टेबल बना सकते हैं, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे देखो 34 बाई 6 तक ही किए, आपको अगर ज़रूरत पड़ती है आगे टेबल की तो आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है?
अब जब आपका स्टेबल आ जाएगी तो आप डिवाइड तो आसानी से कर सकते हैं, राइट। अब देखो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, मल्टीटेबल लिखना भी और डिवाइड करना भी। तो आप इस तरह से ही सारे क्वेश्चंस को करोगे, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्वेश्चन फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।